हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका जो जावास्क्रिप्ट का जो स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स है उसका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व इन द सेंस यू कैन से हम लोग पूरा उसको क्या क्वेश्चन है वो समझेंगे, फिर उसका कोडिंग समझेंगे, फिर उसमें क्या क्या हम लोगों ने मतलब यूज़ किया हुआ है, इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस क्या लिया है, वेरिएबल्स क्या लिया है, और पूरा हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को वही बोलूँगा कि आप लोग अपने फ्रेंड स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प आउट हो सके। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, सो मेरे को भी लगे कि हाँ वीडियोज़ ऐसे आपको अच्छे लग रहे तो बनाना चाहिए करके। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। बेसिकली देखो यहाँ पे क्रिएट बोला है, क्रिएट इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग, तो यूजिंग एप्रोप्रिएट वेरिएबल्स एंड इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। दैट्स आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, मतलब कुछ एक फॉर और इफ लूप लेंगे अपन इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, देखो एक्सेप्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़र, यूज़र से स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराएंगे, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, फिर उसको रिवर्स करेंगे उस स्ट्रिंग को, फिर बाद में चेक करेंगे कि भाई वो रिवर्स स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोम है कि नहीं। अभी पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर है सपोज, ठीक है ना, 13 और ये 13331। ठीक है, तो मतलब ये एक नंबर हुआ सपोज। ठीक है, तो अगर मैं इसको बीच से डिवाइड कर दूँ या फिर इसका मिरर इमेज हो, मतलब बीच से एक इसका डिवीजन करके अगर इसका इस साइड और इस साइड दोनों क्या है, ये मिरर इमेज हो गया, 13 का उल्टा 31। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इससे ये आपका पैलिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ आपका सब्जेक्ट का लेटर है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन में देखो आपको बनेगा क्या डिवाइड करके या फिर उसके बीच में देखो, ठीक है, नहीं बनेगा। फिर अगर ऐसा, अगर ये है, अगर मैम बोला मैंने, ओके, आप अगर अपने टीचर को मैम बुलाते हो, ठीक है ना, तो ये क्या है, मैम। ठीक है, तो ये क्या है, मैम में अभी कैसा होता है, अभी ये 3 कैरेक्टर्स है, तो इसका जो बीच का है अगर इधर से अगर पकड़े हम लोग, ओके, बिकॉज इसको इक्वली डिवाइड करके अगर देखा जाए तो इसका अगर इसमें देखेंगे तो मिरर इमेज क्या है, इधर भी m आता है और आपका इधर भी m आता है। अगर यही चीज़ में अगर ऐसा करता तो भी m a और एक a एंड m, मैम मैम ऐसा करके अगर आ गया, तो इसका भी अगर मिरर इमेज देखें तो क्या हो गया आपको, एम ए एम। ठीक है, ये भी इसका उल्टा जैसा हो गया, मतलब ये भी पैलिंड्रोम हो गया, ये भी पैलिंड्रोम। और बाकी का जो बोला मैंने, जैसे कि अगर ये ऐसा होता एम यू कैन से एम ए और क्या वर्ड ले लो, कोई भी एक मैडी, ओके मैडी ले लो, तो ये क्या कुछ इक्वल बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा है, किधर से भी नहीं बैठ रहा है देखा जाए तो। ठीक है, तो आप ये ऐसे ही इसको हम लोग यही चीज़ को हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं और दूसरे चीज़ को पैलिंड्रोम नहीं बोलते। अगर मैं इसको 1 और 0 और 3 और 1 लेता तो इसको अगर देखेंगे मैं इसका अगर बीच का अगर डिवाइड करके अगर इसको अगर मैं देखूँ कंसिडर करूँ, इक्वली हो रहा है क्या डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इसका उल्टा मिरर इमेज बन रहा है, नहीं, तो ये पैलिंड्रोम नहीं हुआ। ठीक है, तो यही होता है पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट, मतलब इसका क्या हो गया कि जैसा इन्होंने बोला रिवर्स करना स्ट्रिंग को, मतलब वही आपका कि यहाँ से आपने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको इससे के साथ रिवर्स कर दिया ऐसा। ठीक है, तो वही रिवर्सिंग है, तो वही चेक करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं हम लोग कोडिंग में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो एज़ यूजुअल वी यूज़ यू कैन से अपना ये सब्लाइम टेक्स्ट यूज़ करते हैं हम लोग, आप लोग नोट पैड सेम टू सेम आपको यही कोड उठा के डाल दो नोट पैड में तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे टाइटल है यहाँ पे, ओके, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट फोर्थ एसओपी एग्जांपल, फिर बॉडी लिया मैंने, बॉडी के अंदर फॉर्म लिया बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू टेक अ फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म ले रहे हैं हम लोग क्योंकि बटन इवेंट वगैरह हम लोग को लेना है उसमें, तो बटन चेक पे क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोम चेक करना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे अभी ले रहा हूँ एंटर द स्ट्रिंग टू चेक वेदर इट इज़ पैलिंड्रोम और नॉट, फिर इसमें एक इनपुट टेक्स्ट ले लिया ताकि मैं उसमें इनपुट कर सकूँ, एंटर कर सकूँ ये चीज़, ये जो 131 या मैम ये जो भी है ये सब बोलते हैं ना हम लोग, ये सब इसमें मैं एंटर, सब मतलब एक एक करके करके चेक करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे इनपुट टाइप क्या है, ये बटन ले लिया मैंने, नेम क्या लिया, चेक पैलिन करके, ये पैलिन ड्रॉप जैसा भी ले लो, नेम ऐसा ले लिया मैंने, ओके, बटन लिया, बटन ये क्या, और इसका वैल्यू दे दिया मैंने चेक स्ट्रिंग करके, और इसमें ऑन क्लिक इवेंट में मैंने क्या किया,
चेक पैलिंड्रोम कॉल कर लिया। तो अभी जाहिर सी बात है इसको मेरे को पूरा डिक्लेयर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्म मैंने क्लोज कर दिया, मेरा काम खत्म। अभी मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट टैग लूँगा जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है। देखो ये बॉडी के अंदर ही लिखा हुआ है, मैंने ये इधर मैंने एंड किया हुआ है, ठीक है, ये बॉडी इधर एंड किया हुआ है। तो यू कैन से बाहर भी लिखो अंदर भी लिखो, दोनों भी आपका एक्सेस हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे अभी ये हुआ, फिर स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू आपका टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। अभी चेक पैलिंड्रोम मेन, अभी यहाँ से सीन्स हो रहा है शुरू। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने वेरिएबल्स लिए, कितने वेरिएबल्स लिए, चार वेरिएबल्स लिए। एक तो मैंने स्ट्रिंग लिया str लिया, जो कि क्या करेगा, ये str वैल्यू, ये जो यहाँ पे जो आपका आप एंटर करोगे स्ट्रिंग में, वो जाके इस पर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका चेक करना है आपने को। तो ये जाके स्टोर हो जाएगा कैसे, f1, ओके, आपका जो ये फॉर्म का नाम जो है ये f1 है, f1.t1. इसका वैल्यू बोले तो वो जाके इसमें चला जाएगा वैल्यू, ठीक है। फिर अभी उसके बाद क्या है आपके पास, ये str, हाँ अभी क्या है, ये str केस लिया मैंने एक, क्योंकि ना जो भी मेरा स्ट्रिंग आ रहा है ना, मैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, यू कैन से दिस इज योर, यहाँ पे जैसा बोला है उन्होंने, स्ट्रिंग फंक्शन इनबिल्ट लेना है और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो देखो यहाँ पे मैंने ये फॉर लूप वगैरह, इफ लूप वगैरह, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लिया, फिर ये स्ट्रिंग का टू लोअर केस कैर एट, ये सब आपका क्या हो जाता है, स्ट्रिंग के फंक्शंस हो जाते हैं, तो वो भी ले लिया मैंने, और इवेंट ड्रिवन मैंने प्रोग्राम लिख रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, तो अभी क्या करा मैंने, ये केसेस लिया लोअर केस का पूरा कर दिया, फिर उसका लेंथ चेक किया मैंने, ठीक है, ये जो भी केस जो भी आया, या फिर आप इधर इसका भी कर सकते हो डायरेक्ट, ओके, इसका करके आप क्या करो, स्टोर करो लेंथ वेरिएबल में, ठीक है, ताकि देखो यहाँ पे कैसा है, अगर मैं इसका लेंथ स्टोर करूँगा, अभी जैसा ये 1, 3, 3 और ये 1, तो ये लेंथ अगर मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा, मतलब क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा लेंथ का वैल्यू, 4, ओके, 4, फिर इसको बीच में से अपने को डिवाइड करना है, फिर उसका इस साइड और उस साइड रिवर्स में चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वही हम लोगों ने यूज़ किया, देखो यहाँ पे, तो ये लेंथ में ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना, ये लेंथ में ले लिया हम लोगों ने, str case.length, ठीक है, ये लेंथ में हम लोग, और लेंथ फंक्शन है जो कि आपका लेंथ चेक करके आपको इसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, इसको तो भूल जाओ फिलहाल, ठीक है, फिलहाल तो फॉर लूप में आ जाओ। तो फॉर में देखो i = 0, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, i = 0 मतलब फर्स्ट पोजिशन, ये वाला 0, एंड i = total length / 2, ओके, मतलब जो भी है इवन में जाएगा, मतलब प्रॉपर इवन चेक कर लेगा, जैसा इसमें हो गया या इसमें। तो देखो यहाँ पे दिया है, दैट इज लेंथ बाय 2, अगर लेस है, आई से लेस है, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन से लेस है, ये फर्स्ट पोजीशन 0 पे अगर लेस है ना, मतलब बिगिनिंग लेस देन एंड, यू कैन से ये बिगिनिंग है, ये आपका एंड पोजिशन है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास अभी टैबलेट नहीं है, ठीक है। सो उस हिसाब से, तो i = 0 फर्स्ट पोजिशन लिया, i < length / 2 लिया, फिर उसमें फिर क्या कर रहा है, जो भी आपका, आप इधर से str भी ले सकते थे, ठीक है। तो str डॉट आपका जो केस है, अभी सपोज ये मैंने लोअर केस है, तो str कैरेट i, मतलब i मतलब फर्स्ट पोजिशन, जीरो पोजिशन, अगर इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, जो भी आपका लेंथ माइनस वन माइनस i, मतलब इसके बाजू वाला लेंथ माइनस वन माइनस i, ये जो टोटल i है उसका माइनस वन, मतलब उसके बाजू वाला, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उससे वो आपको उसमें रिवर्स मिल गया इसका, मतलब ये बाजू वाला इसका, मतलब ये इसका बाजू वाला हो, है कि नहीं, इसमें रिवर्स मिल गया आपको। तो वो चेकआउट कर रहे हैं हम लोग कि स्ट्रिंग रिवर्स है कि नहीं। तो ये स्टेप में क्या हो रहा है, रिवर्स का हम लोग चेक कर रहे हैं, डिवाइड करके उसको, उसका मिडिल पार्ट लेके फिर उसका रिवर्स देख रहे हैं हम लोग, दैट इज str case.caret.len-this। अगर ऐसा रहेगा तो फिर क्या है बॉस, नॉट इक्वल रहेगा तो भाई नहीं है फिर, मतलब आपका फिर इधर आप इसके लिए एक वेरिएबल लोगे आप, सपोज p = 1, तो p = 0 देखे आप बाहर ब्रेक हो जाओगे कि ये पैलिंड्रोम आपका नहीं है करके, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल ही नहीं है ना आपका, दोनों डिवाइड करके उसका रिवर्स इक्वल नहीं है करके आप बता दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर ये हुआ इक्वल, अगर 1 के इक्वल इक्वल हुआ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है, तो मतलब इसके अलावा अगर 0 नहीं रहा, मतलब ये नॉट इक्वल नहीं रहा, मतलब ये 1 ही रहेगा, 1 रहेगा मतलब पैलिंड्रोम, हाँ भाई सही है, रिवर्स भी इक्वल है करके, तो फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए इफ लूप लिया हम लोगों ने, इफ p = 1 दैट मीन्स अलर्ट द स्ट्रिंग एंटर्ड इज पैलिंड्रोम, एल्स इट इज नॉट पैलिंड्रोम, मतलब एल्स ये वाला पार्ट फायर होगा, फिर p = 0 मतलब ये वाला सही होगा, फिर सही होगा मतलब ये इधर बता देगा एंटर्ड स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका कोडिंग सेगमेंट, अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं।
तो अभी इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो ये इधर डबल ओपन हो गया। अभी यहाँ पे देखो यू कैन से, अभी मैं थोड़ा जूम आउट कर जूम कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी यू कैन से, तो हाँ अभी इधर मैं जैसे कि एक एंटर कर लेता हूँ मैम करके, ठीक है। तो मैम एंटर किया तो यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, दैट इज़ एंटर्ड स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम। ओके हो गया ये। अगर मैं यहाँ पे मैडी टाइप करूँगा जैसा हम लोगों ने देखा था, तो क्या बताएगा, एंटर्ड स्ट्रिंग इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे मैडम करूँगा तो ये इक्वल हो गया, तो उस हिसाब से देखो क्या है ये, एंटर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम बताया, ठीक है। अगर मैं इसमें नंबर लूँगा जैसा लिया था 1031, तो यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, एंटर स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अगर मैं इसको इक्वल लेता 31, जो सर हम लोगों ने लिया है एग्जाम्पल स्ट्रिंग, अगर चेक करेंगे तो ये क्या बताएगा, एंटर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, क्योंकि डिवाइड हुआ। और भी कुछ अगर करोगे जैसा दूसरा भी है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल 1221 करके ये एक स्ट्रिंग हो गया, या फिर आपका ये हो गया मलयालम, ओके अगर ये वाला अगर लेते हो आप, तो भी आपका क्या होगा, देखो पैलिंड्रोम दिखाएगा, क्योंकि देखो ये एकदम से डिवाइड अगर इधर से किया, ये क्या है माला आलम, ये बीच का कैरेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही था आपको, मेरे को बताना था, ये एक्सप्लेन करना था, होप्स आपको समझा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग चैनल में बने रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियोस को लाइक करो, एंड फ्रेंड स्टूडेंट के साथ आप अपने शेयर करो, ठीक है। सो टिल देन विल कंटिन्यू विद अनदर वीडियो, सो टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।